आपको तो सुनकर हैरानी होगी, आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ। इसका एक कानून है, उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आज़ादी के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर पाए, और यही कारण है अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सकें, इस हिसाब से वो कानून की ड्राफ्टिंग की गई है कि विदेश से आकर, इंग्लैंड से आकर, लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है। इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी। आज़ादी के बाद हमने उसमें थोड़ा भी संशोधन नहीं किया तो कोई भी विदेशी भारत में आके नागरिक हो सकता है, और नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है तो एमपी एमएलए हो सकता है, एमपी एमएलए हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो आज़ादी का मखौल नहीं तो क्या? दुनिया के किसी देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में जाएं, रहना शुरू कर दें, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो। आप कनाडा में जाएं, कनाडा के संविधान का अध्ययन करें, कनाडा के संविधान के अनुसार आप कनाडा की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्म स्थान कनाडा ना हो। ब्रिटेन में चले जाइए, वहां भी यही है। फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, लगभग दो तीन देशों को छोड़कर सभी देशों में ये नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते आप उस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, हम उसी को चला रहे हैं, उसी को ढो रहे हैं।